दोस्तों, आज का क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 सीएसआर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, इन अ नॉर्मल जीमन इफेक्ट एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला। वो कह रहा है हमारे पास नॉर्मल जीमन क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। तो इस नॉर्मल जीमन इफेक्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हमें दिया हुआ है ना, वो तो कितना दिया हुआ है, 0.3 टेस्ला दिया हुआ है। क्वेश्चन है का स्प्लिटिंग बताइए, नॉर्मल स्प्लिटिंग क्या होगी नॉर्मल जीमन इफेक्ट में इस वेवलेंथ में। अब देखो, हम ऑलरेडी बहुत से ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं, है ना, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग में हम इस वेवलेंथ सेपरेशन कैसे निकालते हैं। तो प्रीवियसली बहुत ऐसे क्वेश्चन किए, मैं तो सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी कई क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो ये होता है हमारे पास फॉर्मूला नॉर्मल जीमन स्प्लिटिंग निकालने का, ध्यान रखना इस बात का। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है लैम्डा, मुझे देखो 600 ये दे रखा है, 10^-9, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। म्यू भी कितना होता है हमारे पास, याद होना चाहिए आपको, 9.27 × 10^-24 बोर मैग्नेटिक फील्ड हमें 0.3, सी कितना होगा, 3 × 10^8 और 6.626 × 10^-34, ठीक है। अब देखो 66 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 4356 × अब देखो ये 10 है, यहाँ -9 है, तो इसको मैं -8 हो जाएगा पावर में, तो उसको मैं 10^-16 है, तो ये 9.27, ठीक है, 0.3 × 10^-24। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 19.878 आएगा 10^-26, ठीक है। देखो -16 − 24 − 40 और ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा -26, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 10^-14, ठीक है। तो ये बच्चों वाली कैलकुलेशन मैं आपको नहीं कराने वाला बिल्कुल भी, बस आपको गाइड कर दिया मैंने, यहाँ से आप इस चीज़ को आगे कर सकते हो, ठीक है ना। तो अब जब हम इसको करेंगे तो लगभग आएगा 6.04.1 × 10^-14, समझ में आया। तो ये अब साइड में ना कैलकुलेशन आप मेरे स्क्रीन में आपको दिख नहीं हो रही होगी साइड में कैलकुलेशन, ठीक है ना, तो आप कर सकते हो, ये बहुत ज़्यादा आसान चीज़ है, कुछ नहीं है। तो ये मेरे पास 6.09 × 10^-12 मीटर हो जाएगा, यानी ये 6 पिकोमीटर मेरे पास लगभग आंसर आ गया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर आएगा हमारे पास डी। फॉर्मूलेज आपको सारे याद रखने, ताकि डायरेक्ट आंसर निकाल सको, कम समय में क्वेश्चन को कर सको।